गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीबी के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग के बारे में। ये इंस्टीट्यूट आपको 3 मंथ का कोर्स करवाती है, जिसके बेस पे आपको 100% जॉब मिल जाता है बैंक में। ओके, ये कोई PGDBF कोर्स नहीं है 1 साल वाला। तो आज की वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। सो फ्रेंड, हमारे कुछ सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके इस कोर्स के बारे में बताया कि बताइए कि ये कोर्स सही है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आईपीबी के बारे में, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल बैंकिंग। ये जो एक इंस्टीट्यूट है जो कि 2015 से सर्टिफाइड है। ठीक है, ये क्या करवाती है, आपको एक कोर्स करवाती है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग करके। ठीक है, ये आपको कोर्स करवाती है जिसके बेस पे आपको टॉप प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, फॉरेन बैंक या NBFC, इसमें आपको जॉब मिलता है। ठीक है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है, कोई PGDBF कोर्स नहीं। रिटेल बैंकिंग आपको सिखाई जाती है, जिसमें कि आपका कोई सेल्स का वर्क नहीं होता इसमें। ओके, ऐसा ये प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड, जो बड़े बड़े बैंक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, जना बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, मतलब पूरे टोटल जितने भी बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, उसमें आप जॉब पा सकते हो। ठीक है, करियर पाथ की बात करी जाए तो आप ब्रांच मैनेजर तक इसमें बन सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो आपका एज मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। ठीक है, 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रेजुएट बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होना, ये 50% मार्क्स आपके 10वीं और 12वीं में भी होना तो ही इसको आप अप्लाई कर सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 90 डेज का आपका कोर्स रहेगा, देन आपका जॉब रहेगा। कोर्स की फ़ी की बात करी जाए तो 40,000 रुपीज़ आपका कोर्स का फ़ी रहेगा, जिसके लिए आप लोन नहीं ले सकते, आपको डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। ओनली 3 मंथ का कोर्स है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या सिंपल सा सेंटर पर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका एक स्क्रीन टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको ट्रेनिंग का जो फीस है वो सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा 90 डेज का। रिटेल बैंकिंग का जो ट्रेनिंग रहेगा वो कम्प्लीट होने के बाद आपको रिटेल सेक्टर में ही बैंक में जॉब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कोर्स कहाँ कहाँ होता है आपका, जलंधर, पटियाला, मोहाली, पंचकुला, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, देहरादून, हमीरपुर, लखनऊ, श्री गंगानगर, इन सारी जगहों पे आपका ये कोर्स होता है। यहाँ पे डायरेक्ट जाके आप ये कोर्स कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हो या मेल भी कर सकते हो। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रेंड, जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करके इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े फाउंडर है इसके। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ओके, इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे जानकारी दी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको आसानी से डाउनलोड करके इसके बारे में पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी सारे डिटेल दी हुई है, कौन कौन इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ETC एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर कौन कौन है, ETC, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन रिटेल बैंकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 मंथ का कोर्स होगा, तो यहाँ पे आपको 2 मंथ का आपका क्लासरूम ट्रेनिंग होगा और 3रे मंथ आपको डायरेक्ट ब्रांच में विजिट करने भेज दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट प्लेस्ड, जो कि अभी अभी यहाँ पे लगे हुए है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब बहुत सारे जॉब लगे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो टेस्टिमोनियल इनका दिया हुआ है। सो फ्रेंड, अब बात करते इस कोर्स को आपको करना चाहिए या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, 3 मंथ का कोर्स है ये, और आपको जॉब दिला देता है 100%, तो मेरे हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं PGDBF कोर्स की, जो कि 1 साल का मणिपाल में आपको कोर्स करना पड़ता है, जो कि बहुत ही महंगा कोर्स होता है। लेकिन इस कोर्स की ओनली फी 40,000 रुपये है, और जॉब आपको उसी लेवल का मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको डाउट होगा। ठीक है फ्रेंड, एक डाउट ज़रूर होगा कि अगर 3 मंथ में हमको उतना अच्छा जॉब मिलता है तो फिर PGDBF कोर्स तो कोई करेगा ही नहीं, मणिपाल तो बंद ही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये डाउट होता है, काफ़ी लोगों को होता है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है अभी अभी हाईलाइटिंग में आई है। इसका आप यूट्यूब चैनल भी देखोगे तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल ही दिया हुआ है, 15-20 वीडियो डाले हुए हैं बस।
ठीक है। तो काफ़ी लोगों का डाउट था मेरे पास कि इसको करना चाहिए या नहीं। देखिए सबसे पहले बात तो इसमें हम लोग जानते नहीं, किसी भी पर्सन को नहीं जानते कि उसने इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के जॉब लिया हुआ है। ऐसे हम किसी भी स्टूडेंट को जानते नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 40,000 रुपये किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 40,000 रुपये कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मायना रखता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 40,000 आपके लिए कुछ नहीं है तो सिंपल जाके आप कोर्स कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं 40,000 रुपये वेस्ट मत हो, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए फ्रेंड्स। अगर आपको ये कोर्स करना है तो सिंपल सा वहाँ पर विजिट करना है इनके सेंटर पर, और जो लोग वहाँ पर कोर्स कर रहे हैं उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है, वही आपको सारी डिटेल बताएंगे कहाँ कहाँ से वो कोर्स करने आए हुए हैं और उनका कोर्स कैसे चल रहा है और कहाँ उनका पोस्टिंग हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे 100% जॉब मिलता है या नहीं। ओके फ्रेंड, क्योंकि ऐसे ही कहीं पे भी कोर्स कर दोगे और फिर बाद में पछताना पड़ेगा वाली बात नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो सोच समझ के कोई भी चीज़ आपको करना है, सिंपल सा आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है अगर आपको ये कोर्स करना है। अदरवाइज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 40,000 रुपये से, तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पर कोर्स कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूँगा फ्रेंड, ठीक है, अभी इसके लिए नहीं करूँगा, क्योंकि साल में 12 मंथ होते हैं, 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग 2-4 बार तो होगा ही होगा। ठीक है, कभी ना कभी तो होगा, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आप इनके टेस्टिमोनियल देखोगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस इनका ही कोर्स है, जिनमें आपको स्लोगन देखने को मिलेगा कि मैं नहीं बेरोजगार करके। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।